एक बोल्ट मीटर है, बोल्ट मीटर जिससे वो नापते हैं बोल्टवा, हाँ आंतरिक पर नहीं का प्रतिरोध, बोल्ट मीटर का प्रतिरोध दिया है, बोल्ट मीटर में ससुरा इतना प्रतिरोध रखा है, इसे इतने वोल्ट के विद्युत वाहक बल तथा इतने आंतरिक प्रतिरोध वाले सेल से जोड़ा जाता है। ये बैटरी के बारे में बात कर रहा है, सेल के बारे में बात कर रहा है, जोड़ने पर वोल्ट मीटर का पाठ्यांक होगा। कह रहा है वोल्ट मीटर का कितना वोल्ट बताएगा जब इस वोल्ट मीटर को हम लोग एक बैटरी से कनेक्ट कर दे रहे हैं, उस बैटरी के बारे में यहाँ हमको चार्जर दिया है। जब बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो भाई धारा फ्लो हो जाएगा, क्या धारा करंट, कितना करंट फ्लो होगा, तो फार्मूला हम लोग पढ़ रखे हैं, आई इजकल टू एन ई डिवाइड बाई एन आर। कह रहे भाई एन आर और बड़का आर, यहाँ पर जो हेई आला आर आ रहा है, बाह्य प्रतिरोध आ रहा है, ये वोल्ट मीटर का प्रतिरोध ही काम करेगा, किसका, बाह्य प्रतिरोध जैसा काम यही करेगा, आंतरिक प्रतिरोध ये है यहाँ पर दिया हुआ है। आंतरिक प्रतिरोध तो समझते होगे, अंदर वाला जो प्रतिरोध होता है किसके, सेल या बैटरी के, अरे ऐसे सीधे सीधे समझो ना, इंसान के अंदर जो गुस्सा होता है वही आंतरिक प्रतिरोध होता है। गुस्से में क्या हो सकता है, किसी से झगड़ा कर लोगे, रिश्ता ख़राब कर लोगे गुस्से में, वही काम ये वो करता है आंतरिक प्रतिरोध, चुपके चुपके पूरा सूरा बोल्ट को ख़त्म कर देगा, किसका, बैटरी या सेल का, आंतरिक प्रतिरोध जैसा काम कर रहा है। यहाँ से निकाल लेते हैं कितना है करंट, आई इजकल टू, जब एक सेल की बात हो रही है, कहीं लिखा होगा एक सेल, एक वोल्ट मीटर, एक ही सेल के बारे में बात हुआ है, यहाँ पर दूसरा सेल नहीं है, तो एक ही सेल तो एन का मान एक हो जाएगा, तो यहाँ पर एक रख देंगे और ई का मान 10 दिया है, फिर से एन का मान एक, आंतरिक प्रतिरोध हमको दे रखा है 16 और बाह्य प्रतिरोध का काम करेगा 144, तो आई इजकल टू आ जाएगा 10 डिवाइड बाई 6 4 10, 5 1 16, 160, कितना भाई 160 आ गया, काटे पिटेंगे तो आ जाएगा 1 बटे 16 एम्पियर की धारा फ्लो होगा, किस में, बैटरिया में होगा। अब हमको कह रहा है कि हमको पाठ्यांक चाहिए, किसका पाठ्यांक चाहिए, हाई वोल्ट मीटर का, तो निकाल लेते हैं वी इजकल टू आई इजकल टू आर, यहाँ से निकल जाएगा इसका पाठ्यांक, आई का मान है 1 बटे 16, आर का मान ये है 144, 16 9 वोल्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कितना मेरे भाई 9 वोल्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा सवाल है, याद रखिएगा, लड़के बड़ा कंफ्यूज होते हैं क्योंकि सोरा इसमें कुछ बाह्य प्रतिरोध वगैरह का बारे में बोला नहीं है, वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध है वही कैसे काम करेगा, बाह्य प्रतिरोध जैसा। इधर देखते हैं क्वेश्चन और लिखा हुआ है, कह रहा है एक बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध, फिर से आंतरिक प्रतिरोध आ गया, आप बैटरी वगैरह खरीदिएगा देख लीजिएगा उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, क्योंकि जितना पुराना सेल या बैटरी होगा उसका जो आंतरिक प्रतिरोध है उसका जो वोल्टेज है सूरज धीरे धीरे ख़त्म कर देता है, तो मैन्युफैक्चरिंग अगर पास में है तभी लीजिए, नहीं तो समझ लीजिए ख़त्म हो गया उसका काम। इसमें कोई धारा नहीं ली जाती है, तो प्लेटों के बीच में सीधे सीधे बैटरी की विद्युत वाहक बल बता रहा है, कितना बता रहा है 6 वोल्ट बता दिया है, जब धारा नहीं ली जाती है, जब इसे किसी बाह्य प्रतिरोध से जोड़ा जाता है तो प्लेटों के मध्य में 4 वोल्ट का बाह्य प्रतिरोध का मान, देखिए जो बाह्य प्रतिरोध से जोड़ेंगे उस समय वोल्टेज कितना काम कर रहा है 4 वोल्ट, तो आई इक्वल टू आर कितना काम करेगा 4, तो यहाँ 4 रख देंगे, आई का मान निकाल लेते हैं इक्वल टू आर, आई बराबर आ जाएगा 4 बटे आर। फिर सेल के केस में जो सेल यहाँ बैटरी यूज किया जा रहा है उसके लिए जो करंट फ्लो होता है आई इक्वल टू ई ले लेते हैं आर प्लस में आर, एक ही सेल की बात हो रही है तो एक ही सेल आएगा, तो एन का मान 1 कर दिए हैं पहले से, आई का मान हम लोग रख देंगे 4 बटे आर, ई का मान दिया है पहले से वहाँ पर दिया है 6 वोल्ट, आर का मान आंतरिक प्रतिरोध 1.5 वोल्ट दिया, 1.5 एम्पीयर 1.5 ओम दिया है मेरे भाई सॉरी, और आर का मान निकालना है, इधर उधर गुणा मार देते हैं, ये 2 बार में ये 3 बार में, इधर गया 3 आर आ गया, इधर आ गया 3 प्लस 2 आर आ गया 3 प्लस में 2 आर, और उधर गया 3 में आर, आर इजकल टू फाइंड करेंगे 3 ओम का क्या आ जाएगा, रेजिस्टेंस आ जाएगा, प्रतिरोध आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा।